है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, इतिहास में पहली बार भारतीय इकोनॉमी 4 ट्रिलियन पार। हाँ, तो ये जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुआ और ये न्यूज आई थी, तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इंडिया इकोनॉमी एट $4 ट्रिलियन, इंडिया GDP क्रॉसेस $4 ट्रिलियन। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे? कितना सब पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोफ लेकर कि यहां को मार ना जाए के मस्जिद। इतने ईमान कमजोर है आप लोगों के, ये मजहब है आपका? इस जगह पर जो है पहुंच गए, हुन तुसी उखाड़ लो साडा, जो उखाड़ना है हमने ये कर दिखाया, अब आपने जो करना है कर गुजरे। फलस्तीन के लिए जिहाद करना चाहते हैं, TTP के सामने नहीं जाते हैं। आपके पठान भाई हैं, आपको नस्वार खा के आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम। आप खुद लेंगे, आप अगर वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क, दुबई में खड़े होंगे, आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट लेंगे? वो आप तो खुद, मैं कहता हूँ, मेड इन इंडिया लगा के बेच रहे होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है, और इसके साथ ही यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करने की दिशा में यह एक बड़ी बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत की GDP में 7.8% की ग्रोथ हुई थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया था। शक्तिकांत दास ने 31 अक्टूबर को अपने एक बयान में कहा था कि आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि नवंबर के अंत में दूसरी तिमाही के दौरान आने वाले GDP के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। GDP लाइव के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि भारत ने 18 नवंबर की देर रात को यह मुकाम हासिल कर लिया था और पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े के पार निकल गया। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, हमें नजर आ रही है और हर तरफ वायरल हो रही है, और खबर ये है कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर ली है इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और इस खबर में इतनी ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी, और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मरतबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मरतबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए, खबर ये है कि इंडिया GDP हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन, और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो GDP है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि जो गौतम अडानी साहब हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कुछ और मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये बात लिखी गई और उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन मिली। पता ये चला कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब वो 4 ट्रिलियन के डिजिट पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा एक जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया। हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है, और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे।
और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें आप किस तरह बचेंगे। दो चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है आपकी, जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं नौ मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये दो फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे दो बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है तो हलाल है फिर, ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेगा, मैंने शायद आपको बताया था मरवत साहब जो है हमारे मुर्शिद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया आधी बोतल अंदर से, उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल में से, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड पीटीआई का वर्कर हूं। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डाले, हम सब पीना चाहते हैं। लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो है जो लॉ ग्रेजुएट है, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे आप, जब आपको हर 10 साल बाद जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप, को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा जीएचक्यू के अंदर सेमिनार कर दिया। सर जियालक बंदे तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें वास्केट पहना करें शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें, नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह एक मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे, कितना सब पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप। हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है, आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। आप मुझे ये बताएं आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोफ की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है। ये कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके, क्लाशनों को। आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं क्लाशन कोफे लेकर कि यहां को मारना जाए के मस्जिद। इतने ईमान कमजोर है आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके आप ही पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, और पहले कुल तो मुसलमान बन लो भाई। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और मोदी जी ने कुछ दिनों पहले, तो एक महीना हो गया होगा आई थिंक, उस समय उसने बोला था कि मैं जल्द ही हमारी जो इकोनॉमी है $3 trillion तक पहुंचा दूंगा। तो ये पहुंचेंगी, $4 trillion को जो नंबर एक था ना पट्टी, उसको पार कर लिया है। और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ और ये न्यूज आई थी, और ये सही न्यूज आई है, और पक्का है हम जो वर्ल्ड जो टॉप 3 कंट्री है ना, उसमें हम शामिल होने को अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्द ही पहुंच रहे हैं, ये पक्का है। और देखो इकोनॉमी बड़ी है, और उस समय उसके बाद ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है फार्मर के लिए कि फार्मर को और सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि इस बार अभी भी सरकार जो है फार्मर को कुछ पैसे दे ही रही है, तो और बढ़ा सकती है ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये अच्छी बात है, फार्मर को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। उसका रीजन है, ये है हमारे देश की आवाम, क्योंकि 140 करोड़ आवाम है जिसका पेट भरने के लिए फार्मर की जो भूमिका है ना, वो बहुत बड़ी है।
बहुत हाँ, बड़ी, वो स्ट्रांग होंगे तभी वो हमारे स्ट्रांग हो गए, पैदावार ज्यादा होगी तो ही देश को बाहर से जो जो खाने की चीजें है ना वो बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी, वो देश में ही सब ये पैदावार होगी तो सस्ता भी मिलेगा और आवाम को पूरा भी होगा। तो ये एक अच्छी बात है, फार्मर को सपोर्ट कर रही है सरकार, तो सपोर्ट और भी बढ़ाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से पाकिस्तान की तो बहुत ही जलेगी, क्योंकि हाँ। अब उसको उसके बाद तो खाने के लाले हाँ, हैं, वहाँ तो गरीबी बढ़ रही है। वो आरजू जी ने बताया ना कि वहाँ के मतलब महंगाई जो है 42% बढ़ चुकी है, 42%। हालांकि जहाँ कोई कोई हमारे जैसे कंट्री में करीबन 5% या 8% भी बढ़ती है तो हाहाकार हो जाता है, वहां पे 42%, क्या मतलब पाकिस्तान में आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये पक्का है। क्योंकि आपकी सरकार ही ऐसी आप सुन के लाते हो ना कि मतलब बस कश्मीर का नाम जप लिया किसी भी लीडर ने, मतलब वो बन गया आपका मंत्री या तो जो भी है, जो समझ लो वो उसका बन गया। वजीर आजम बोलो तो वजीर आजम भी बन जाते हैं वहां पे, सिर्फ कश्मीर का नाम से वजीर आजम बनते हैं। एक ऐसा एक ही मुल्क है वो है पाकिस्तान, तो ये एक बात सबसे बड़ी है पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों भूलना मत, FATF का बम्बू बहुत ही बड़ा लंबा है, पाकिस्तानी वो घुस गया है, अब और घुसाएगा ना तो और भी कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में, ये पक्का है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद जय हिंद जय भारत।